नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के इस चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूँ। रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूँ। हनुमान जी ने पूरी लंका नगरी को जला दिया है। लंकां समस्तां संदीप्य लांगूलाग्नि महाबलः निर्वापयामास तदा समुद्रे हरिशत्तमः। अपनी पूछ की आग तो समुद्र में अपनी पूंछ डुबो करके वो बुझा लेते हैं, लेकिन पूरी लंका नगरी धू धू करके जलती हुई दिखाई दे रही है। इस स्थिति में संदीप्यमानाम विध्वस्ताम त्रस्त रक्षो गणाम प्रीम अवेक्ष हनुमान लंकाम चिंतया मासवान रहा। अब जब हनुमान को ध्यान आया कि अरे ये तो पूरी लंका नगरी जल रही है, चारों तरफ सब कुछ और चारों तरफ इतना हाहाकार मचा हुआ है, अब हनुमान जी को बड़ी चिंता होती है। वो चिंता में पड़ गए कि तस्याभूत सुमहान त्रासा। महर्षि वाल्मीकि वर्णन कर रहे हैं कि हनुमान जी को अंदर से एकदम से त्रास, भय उत्पन्न हो गया है। कुत्सा चात्म आया और अपने इस कर्म के लिए वो खुद की निंदा करने लग गए हैं कि ये मैंने क्या किया, पूरी लंका जला करके मैंने खाक कर दी। लंकां प्रदहताम कर्मे किम स्वित कृतमिदं मया। अरे ये काम मैंने क्या कर डाला, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके मन में विचार आ रहे होंगे कि ये क्या मतलब है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हनुमान जी ने लंका को तो जला दिया, लेकिन जब उन्होंने अपनी पूंछ की आग बुझा ली और पूरी लंका नगरी उनको जलती हुई दिखाई दे रही है, चारों तरफ लपटे उठ रही हैं, ऐसे में वो एकदम से चिंता में पड़ गए हैं कि ये मैंने कैसे ऐसा भयंकर कृत कर दिया है। धन्यास्ते पुरुष श्रेष्ठा ये बुद्धिया कोप मुत्थितम निरुंधंती महात्मानो दीप्त अग्नि विवांभसा। अरे वो लोग धन्य होते हैं जो अपने क्रोध पे काबू रख पाते हैं। हनुमान की पूछ में आग लगाई तो उनको क्रोध आ गया था और हनुमान को ये लगता है कि उसी क्रोध के कारण ये पूरी लंका मैंने जला दी है। अब वो कहते हैं कि ऐसे महान लोग, ऐसे महात्मा लोग बड़े श्रेष्ठ होते हैं। धन्यास्ते पुरुषा श्रेष्ठा ऐसे श्रेष्ठ पुरुष बड़े धन्य होते हैं। बुद्धिया कोपम मुत्थितम ये जो अपनी बुद्धि में उठे हुए क्रोध को निरुंधंती वश में कर लेते हैं। महात्मनो वो महात्मा होते हैं दीप्त अग्नि इवाम वशा, क्योंकि क्रोध जो है वो अग्नि जैसा होता है और वो अपनी जो विशिष्ट शक्तियां हैं उसके द्वारा क्रोध को बस में कर लेते हैं, क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। ऐसे लोग बड़े ही उत्तम होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, महात्मा होते हैं। क्रुद्धा पापम न कुर्यात् कह क्रुद्धो हन्यात् गुरु नबी क्रुद्धा परुष्या वाचा नरः साधु न धिक्षिपेत। हनुमान जी कह रहे हैं क्रोध में आकर के व्यक्ति को कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मैं सभी मित्रों से कई बार नीति शतक के श्लोकों में भी मैंने कहा, कई बार चाणक्य नीति के संदर्भ में भी मैंने बात करते हुए कहा है, विदुर नीति के संदर्भ में भी बात करते हुए मैंने कहा है, सहसा न विदधीत क्रियाम अविवेकः परमापदम। ये जो बड़ा ही प्रसिद्ध भवभूति का श्लोक है, कि व्यक्ति को कोई काम बिना विचारे नहीं करना चाहिए। हिंदी में भी कहते बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हसाए। और क्रोध में जब व्यक्ति होता है तो उसकी विचार शक्ति समाप्त हो जाती है। हनुमान जी यहां कह रहे हैं क्रुद्धा पापम न कुर्यात् कह, क्रोध में जब व्यक्ति होता है तो वो कौन सा पाप नहीं करता है। क्रुद्धो हन्यात् गुरु नपी, अरे क्रोध में आके तो लोग बाग अपने गुरुओं का, अपने बड़ों की भी हत्या कर देते हैं। हत्या का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपने माता पिता को मार दें तो ही हत्या है। अगर आप उनके सामने ऊंची आवाज में बात करते हैं तो ये भी उनकी हत्या ही होती है। आपको हमेशा उनके साथ बात करनी है, ध्यान दीजिए। महाभारत में प्रसंग आता है जब युधिष्ठिर ने अर्जुन के गांडीव धनुष की निंदा कर दी, ये कह दिया कि फालतू में तुम गांडीव धनुष लेके घूमते हो, तो अर्जुन की ये प्रतिज्ञा थी कि अगर कोई मेरे गांडीव धनुष की या मेरी धनुर्धर के रूप में निंदा करेगा तो उसको तो मैं मृत्युदंड दे दूंगा। अब ये कार्य किया युधिष्ठिर ने, अब युधिष्ठिर को मृत्युदंड देते तो सारी चीज ही खत्म हो जाती है। तब कृष्ण ने महाअर्जुन को इसका उपाय बताया कि भाई आपसे जो बड़े हैं जिनके सामने आपने कभी ऊंची आवाज में बात ही नहीं किया, यानी
जिस समय द्रौपदी के वस्त्राहरण से लेके सारी घटनाएं हो गई, उनको दांव पे रख दिया गया, तब भी अर्जुन ने कभी भी युधिष्ठिर से ऊंची आवाज में बात नहीं की है। तो कृष्ण कहते हैं कि इनसे अगर आप एक बार ऊंची आवाज में बात कर दें तो भी इनको मृत्युदंड मिल गया है। तो क्रोध में आया हुआ व्यक्ति हनुमान जी कहते हैं कि अपने से बड़ों का अनादर कर देता है। यहाँ हत्या कर तो हत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आज तो कलयुग है, आज तो हम रोज किसी न किसी पेपर में किसी न किसी रूप में ये समाचार पा लेते हैं कि बच्चे ने लोभ लालच में अपनी माँ को मार डाला, कि अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया। ये सारी हत्या के ही प्रकार हैं। क्रुद्धा परुषया वाचा, क्रोध में आया हुआ व्यक्ति जो है वो कठोर वाणी का उपयोग करता है, परुष वाणी का उपयोग करता है। नरा साधु नक्षित, और जो सज्जन हो ना वो भी दुर्जन हो जाता है क्रोध के वसीभूत होकर के। मैं विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए मैंने कहा कि भाई अगर आप शादी के लिए एक कन्या और एक वर दोनों की मुलाकात करवाई जाती है, यानी एक लड़का लड़की जब मिलते हैं तो आधे घंटे दो घंटे तीन घंटे से ज़्यादा तो कोई साथ में नहीं किसी को रहने दिया जाता, या इससे ज़्यादा एक दूसरे से बात करने का भी मौका नहीं होता है। आधे घंटे एक घंटे का बहुत से बहुत समय मिलता है। कोई नसीबदार है तो उसको साथ में पिक्चर देखने जाने का समय मिल गया हो, तो ऐसे में आप इतने समय में क्या किसी को समझ पाएंगे। लेकिन मैं कहा इसका उपाय है, अगर आपको अपने सामने वाले व्यक्ति को समझना है तो उसको गुस्सा है ऐसी कोई बात कहिए, क्योंकि गुस्सा में आया हुआ व्यक्ति अपनी मातृभाषा का उपयोग करता है। वो सीधी भाषा सज्जनता वाली भाषा भूल जाता है, वो मातृभाषा का उपयोग करने लग जाता है। अब आप मातृभाषा को समझ रहे होंगे हैं। तो यहाँ पे हनुमान भी वही बात कहते हैं, परुषया वाचा नरा, लोग इसी प्रकार की वाणी का उपयोग करने लग जाते हैं। वाच्या वाच्यम प्रकुपितो ना विजानाति कर्रिचित, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए उसको ये भी मालूम नहीं पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूं, महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान के मुख से ये सारी बातें कहवाई हैं। न कार्यम अस्ति क्रुद्धस्य न वाच्यम विद्यते क्वचित, अरे जो क्रोधी व्यक्ति है उसके लिए कुछ भी ना करने जैसा नहीं है, यानी गलत से गलत कार्य कर सकता है। न वाच्यम विद्यते क्वचित, और कोई ऐसी बात नहीं जो उसके मुंह से ना निकल जाए, कुछ भी कह सकता है कुछ भी कर सकता है। क्रोध में आए हुए व्यक्ति का भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह समुत्पतति क्रोधम क्षमयैव निरस्यति यथो रगस त्वचम जीर्णम सभी पुरुष उच्यते। किंतु जो व्यक्ति अपने क्रोध को वश में करके और सामने के व्यक्ति को क्षमा कर दिया करता है, जैसे सर्प पुरानी कैंचुली को छोड़ करके और उसमें से बाहर आता है ना, तो बिल्कुल तरोताजा और फिर से एक तरीके से युवान हो जाता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति इस क्रोध के आने पे क्षमा रूपी आभूषण से उसको अपने वश में कर लिया करता है, वही वास्तव में उत्तम है। दिगस्तु माम दुर्बुद्धिम निर्लज्जम पाप कृतकम, लेकिन मुझे धिक्कार है कि मैंने क्रोध में आकर के इस पूरी लंका नगरी को आग लगा दी। अचिंतित्वाताम सीताम अग्निम स्वामी घातकम, अब देखिए कारण यहां आकर के खड़ा होता है। हनुमान को सीता के जल जाने का भय सता रहा है कि मैंने जो लंका में आग लगाई, ये पूरी लंका नगरी जब जल रही है तो सीता जी भी तो लंका में ही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस अग्नि में मां सीता भी दग्ध हो जाए, मां सीता भी जल जाए। और फिर तो जैसा कि मैं कई वीडियो में कह चुका हूं कि व्यक्ति जब मन में सोचने लग जाता है, जब उसकी सोच के जब उसकी कल्पना के घोड़े दौड़ने शुरू करते हैं ना, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। और यही यहां हुआ है, यदि दग्धा तो एम लंका नून मार्य अभिजान की, अरे ये पूरी लंका जल रही है तो अवश्य इसमें सीता जी भी जल जाएंगी। दग्धा तेन मया भर्तु हतम कार्य मजानता, और अगर सीता जल गई तो मैं जिस कार्य के लिए आया था, मैं आया था सीता के समाचार जानने के लिए, और मैं खुद ही जो अभी तक जीती जागती सीता थी उसकी मृत्यु का कारण बन गया। मैंने लंका में जो आग लगाई उसकी वजह से लंका ही अकेली नहीं जली, सीता भी उसमें जल गई। और अगर सीता जी जल गई तो क्या होगा, फिर वही सारी बातें जो एक बार हनुमान पहले भी विचार कर चुके हैं, जब सीता जी उन्हें नहीं मिली थी तब भी वो सोचने लग गए थे कि अगर सीता जी नहीं मिली या सीता जी की मृत्यु हो गई है और मैं वापस जाकर के ये समाचार राम को दूंगा तो राम की मृत्यु हो जाएगी, और फिर लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी, फिर सुग्रीव भी नहीं जिंदा रहेंगे, और फिर पूरी वानर सेना समाप्त हो जाएगी। तो जो वहां विचार आए थे वो सारे विचार फिर से हनुमान जी को यहाँ आ जाते हैं, एक के बाद एक मन में सारे विचार दौड़ते चले जाते हैं। तो भैया
विचारों के घोड़ों पे सवार होना बड़ा आसान है, लेकिन फिर उन घोड़ों को बस में करना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। इसलिए कल्पनाओं में खो करके अपने जीवन को, अपने सुख को बर्बाद मत कीजिए। जब आप कुछ सोचना शुरू कर देते हैं तो होता क्या है कि फिर सोच में इसके बाद ऐसा होगा तो ऐसा होगा और ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और बहुत कुछ ऐसा आप सोच लेते हैं जो वास्तव में कभी होता ही नहीं है। हनुमान जी भी इसी प्रकार से यहाँ तरह तरह के विचारों में डूब करके खुद को धिक्कारते हैं कि मुझसे ये कैसा बड़ा पाप हो गया, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी समय उन्हें कुछ शुभ शकुन होते हैं, और जैसे ही वो शुभ शकुन होते हैं उनको ये अंदाज मिल जाता है कि नहीं, मैं गलत सोच रहा हूं, माता सीता का कुछ नहीं बिगड़ सकता। और फिर जब वो पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं तो उनको सारे पॉजिटिव विचार आने लग जाते हैं। थिंक पॉजिटिव इसलिए कहा जाता है, जैसे वो पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं वैसे उनको विचार के आते हैं, अरे 10 महीने तक रावण जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जिनके प्रताप से मेरी पूंछ में आग नहीं लगी, ये अग्नि उस सीता को क्या चलाएगी। मतलब अगर राम और सीता के प्रताप से ही मेरी पूंछ में इतनी आग लगाएगी लेकिन मेरा एक बाल तक नहीं जला, तो ये अग्नि माता सीता का क्या बिगाड़ सकती है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अब जब हनुमान जी ने इस प्रकार से सकारात्मक सोच के साथ विचार करना शुरू किया तो सारी सोच उनकी सकारात्मक बनती चली जा रही है, और फिर एक के बाद एक चीज का उनको विश्वास आता जाला, नहीं 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 कुछ भी हो जाए सीता जी का कुछ नहीं बिगड़ सकता है, सीता जी को कुछ हो ही नहीं सकता है, अग्नि की क्या ताकत है कि सीता जी को जला दे। और फिर तो उसी समय आवाज सुनाई देने लग गई है आकाश में, कुछ चारण गण जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि अरे देखो तो सही, पूरी लंका जल के समाप्त हो गई है लेकिन अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता, जैसे कि अग्नि ने उस पूरी जगह को छोड़ दिया, वहां पे आग की कोई असर ही नहीं हुई है। देखिए हनुमान ने भी तो यही किया था, पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी और जहां सीता जी बैठी हुई थी उस स्थान को छोड़ दिया था। चारणों के मुख से ये सारी बातें सुनाई देती हैं। दग्धेयम् नगरी सर्वा साट प्राकार तोरणा जानकी नच दग्धेति विस्मयो अद्भुत एव नः। अरे भाई ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरी लंका नगरी जल गई है लेकिन सीता जहां बैठी हुई हैं वो बिल्कुल नहीं जली हैं, ये तो कितने आश्चर्य की बात है। जैसे उन्होंने ये सुना है अत्यंत आनंद में फिर से आ गए हैं। यहां महर्षि वाल्मीकि ने बड़े ही सुंदर शब्दों में हनुमान जी को माध्यम बना करके आपको जीवन के लिए बहुत उत्तम उपदेश दिया है। पहली बात तो यह है कि अगर कोई कार्य आप करते हैं तो आपको क्रोध में निर्णय लेकर के कार्य नहीं करने चाहिए, पहला संदेश उन्होंने ये बड़े स्पष्ट शब्दों में दिया है। लेकिन दूसरा संदेश ये भी उन्होंने दिया है कि किसी भी कार्य को करने के बाद या कोई कार्य हो जाता है तो उसकी हकीकत तक पहुंचिए, पहले से ही कल्पनाएं कर करके उसके बारे में गलत विचार मत कीजिए। आपकी सोच नकारात्मक होगी तो आपको सारे जवाब नकारात्मक मिलेंगे, आपको सारे जो वातावरण है वो ऐसा बनने लग जाएगा, आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि हाँ सब कुछ ऐसा बुरा ही होने वाला है। लेकिन जब आपकी सोच सकारात्मक बनती है तो इस प्रकार से जैसे हनुमान को यहाँ समाचार मिले हैं कि सीता जिंदा है, उसी प्रकार से आपको भी अच्छे अच्छे समाचार मिलते हैं। इसलिए सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, ये बड़ा ही जरूरी है। फिर तो हनुमान तुरंत ही वहां से वही ततस्ताम सिंसुपामूले जानकीम पर्यवस्थिताम, वही शीशम के जिस पेड़ के नीचे, देखिए अशोक वाटिका में है सीता जी लेकिन अशोक वृक्ष के नीचे हैं, ऐसा कहीं भी वाल्मीकि ने नहीं लिखा है। वो कहते हैं सिंसुपामूले ये बैठी हुई हैं शीशम के वृक्ष के नीचे। और आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि अशोक का जो वृक्ष होता है वो इस प्रकार का नहीं होता है कि उसके नीचे आपको बहुत ज्यादा छाया या बहुत ज्यादा सघनता या बहुत कुछ मिल पाए। शीशम का पेड़ बिल्कुल इस प्रकार से, और उसके गुण भी विशिष्ट हैं शीशम के पेड़ के। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अशोक के वृक्ष में गुण नहीं होते हैं लेकिन शीशम के वृक्ष में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ सिंसुपा मूले जानकीम परिवस्थिताम अभिवाद्य ब्रवीत दिष्ट्या पश्यामि त्वाम इहाक्षताम। राम का ध्यान रखते हुए हनुमान सीता जी से कहते हैं कि आपको यहाँ सुरक्षित देख करके मुझे एक परम आनंद की प्राप्ति हुई है। मतलब हनुमान तो डर ही गए थे, वो तो कोसने लग गए थे खुद को कि अरे मैंने ये किया क्या, लंका में क्यों आग लगा दी है। और फिर ततस्तम प्रस्थितम सीताम वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृस्नेहात
नितंब वाक्यम हनुमान अभिभाषित है। और फिर अत्यंत प्रसन्न मन से जो सीता जी बार बार हनुमान की तरफ देख रही हैं कि अब ये मेरा समाचार लेकर के मेरे पति के पास जाने वाले हैं। देखिए सीता जी ने हनुमान से ये तो मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ, राम स्वयं मुझे लेने आएंगे तभी मैं आऊँगी। ये सीता के चारित्र की विशेषता है। दूसरी कोई स्त्री हो तो ऐसा निर्णय ले ही नहीं सकती है, क्योंकि एक तरफ तो रावण ने उसको बिल्कुल मार डालने की आज्ञा दे रखी है कि अगर इस बात का स्वीकार नहीं किया तो 2 महीने बाद तो तुम्हें ये राक्षस यहाँ तुम्हारा नाश्ता बना देंगे, हैं? और दूसरी तरफ अभी भी 2 महीने का टाइम आराम से सोने के लिए नहीं है। ये नहीं कि 2 महीने नित्य प्रति राक्षसियाँ उनको टॉर्चर करती रहती हैं, उनको परेशान करती रहती हैं, और ऐसे में एक अच्छा मौका मिल रहा कि पति के पास पहुंच जाए। लेकिन नहीं, पति का मान सम्मान, अपना मान सम्मान, वो महत्वपूर्ण होता है। जिंदा रहो मर जाओ वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए सीता जी ने हनुमान के साथ जाने से मना कर दिया। लेकिन हनुमान जब उनके पति के पास जा रहे हैं तो मन तो सीता जी का हनुमान के साथ जा ही सकता है। शरीर को बंधन होते हैं, मन को बंधन नहीं हुआ करते हैं। कामम अस्य त्वमयि कैक वः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परिविरग्ना यशस्तस्ते वरोदया। अब तो सीता जी ने पूरा हनुमान का पराक्रम देख लिया है। शुरुआत में उन्होंने पूछा था, जब हनुमान ने कहा कि बैठ जाओ हमारी पीठ पे, और हनुमान ने छोटा सा रूप धारण कर रखा था, तब तो सीता जी ने कहा था कि अब तुम्हारे ऊपर बैठ के कैसे हम यहाँ से वहाँ तक पहुँचेंगे। भाई उड़ने की ताकत किसी में ज़्यादा हो इसका मतलब ये नहीं कि वो शक्तिशाली भी होगा। तब हनुमान ने अपना स्वरूप धारण करके उस समय भी दिखाया था, और अब तो अपने जितने पराक्रम है सारे पराक्रम सीता जी को दिखा दिए हैं। इसलिए सीता जी बड़े प्रसन्न होकर के कहती हैं कि इस कार्य के साधक आप हैं, आपका बल, आपका पराक्रम सब कुछ धन्य है। सीता जी हनुमान की प्रशंसा करते हैं। सरई सुसंकुला कृत्वा लंकां परवलार्दनः माम नयेद यदि काकुत्स ततस्तस्य सदृशं भवेत्। यानी आप हर तरीके से सक्षम हैं, आप वीर हैं, महान हैं, श्रेष्ठ हैं, योद्धा हैं, बलवान हैं, सारे गुण आप में हैं, लेकिन यहां से मुझे छुड़ाने का एक ही मार्ग है कि अपने बाणों से इस पूरी लंका नगरी को ढक करके यहां के योद्धाओं का संहार करके काकुत्स राम जब मुझे यहां से लेकर के जाए तो तुम्हारा ये सारा पराक्रम सफल है, नहीं तो ये सारा पराक्रम मेरे लिए बेकार है। अगर सीता पराक्रम से ही वशीभूत होने वाली होती तो रावण ने क्या कम पराक्रम दिखाए होंगे, हैं? कि हनुमान के पराक्रम से वशीभूत हो जाए ये तो बात है ही नहीं। लेकिन रावण की बात अलग है और हनुमान की बात अलग है। इसलिए सीता जी जहां रावण को कोसती हैं वहां हनुमान को आशीर्वाद दे रही हैं, और उनके पराक्रम के साथ आशीर्वाद देते देते उनसे ये कह रही हैं कि आप राम को लेके आए और राम मुझे यहां से छुड़ा के ले जाएं। क्षिप्रमेश्यति काकुत्सो हर्यक्ष प्रवरहि व्रतः यस्ति युद्ध विजित्यारी शोकम व्यपनयिष्यति। निकलते निकलते हनुमान फिर से सीता जी को आश्वासन देते हैं कि जल्दी ही काकुत्स श्री राम यहां करके पहुंच जाएंगे वानरों और भालुओं के साथ, और युद्ध में आपके शत्रुओं का संहार करके आपके सारे शोक सारे दुखों को दूर करके यहां से आपके आपको अपने साथ ले जाएंगे। एवं आश्वास्य वैदेही, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि इस प्रकार से वैदेही को आश्वासन देके हनुमान मारुतात्मजा मारुत पुत्र हनुमान जी जो हैं गबनाय मतिम कृत्वा वैदेही अभ्यवादत, वहां से जाने की इच्छा करके सीता जी से ये कहते हैं। और फिर महर्षि वाल्मीकि साइंस का पूरा ख्याल रखते हैं, वहां से भी हनुमान ने जब लंकापुरी के लिए प्रस्थान किया था तो पर्वत के ऊपर चढ़ गए थे, और उस पर्वत के ऊपर बर्फ भर अपनी शक्ति का संचार करके फिर वहां से प्रस्थान किया था। यहाँ पे भी फिर इसी प्रकार से हनुमान पर्वत पे चढ़ते हैं और उस पर्वत के ऊपर से फिर से वो किस प्रकार से छलांग लगाते हैं और राम के पास जाने के लिए वो प्रस्थान करते हैं। आते हुए तो हनुमान का विस्तार के साथ वर्णन किया गया था, क्योंकि वहाँ राक्षसी भी मिली, मैनाक पर्वत भी आया, स्वयं सुरसा भी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। लेकिन अब वापस जाते हुए हनुमान का विस्तार से वर्णन करने की जरूरत नहीं है। अब तो वो वहाँ पहुँच करके क्या करते हैं इस कथा को हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूँ। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।